हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेज। वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन दिस वी स्टडी फिनॉल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट इन प्रीवियस क्लासेज। कंटिन्यू इन दिस पार्ट, नाउ वी स्टडी नेक्स्ट ए केमिकल, नेक्स्ट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज फोर्थ मेथड इन लेबोरेटरी from salicylic acid formation of phenol. See the chemical reaction, very easy method, you can use it by this process, that is salicylic acid OHCOOH. ये किसका स्ट्रक्चर है? सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आना चाहिए। केमिकल कंपाउंड का आपको केमिकल फॉर्मूला रिमेंबर है, उसकी स्ट्रक्चर रिमेंबर है, तो आप इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो आपको सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर दिया हुआ है। सैलिसिलिक एसिड की इस प्रोसेस के आधार पर आपको फॉर्मेशन करना है किसका? फिनोल का। तो एज ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, क्या बनाओगे? फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट आपको मिल चुका है, प्रोडक्ट आपको ये फॉर्मेशन करना है। किसको यूज़ करेंगे? रेजेंट्स को यूज़ करेंगे। डैट मीन्स रेजेंट्स क्या हैं इस केमिकल रिएक्शन के लिए? वो अपने पास में है NaOH, सदाबहार है, ऑलवेज रहेगा, इसको ऑलवेज यूज़ करना है मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में। NaOH प्लस CaO दोनों का मिक्स है, कहलाता है सोडा लाइम। क्या कहलाएगा भाई? सोडा लाइम, डेट इज कॉल्स सोडा लाइम। सोडियम है और लाइम है, दोनों का मिक्स है, इसलिए क्या कहलाएगा? सोडा लाइम का फॉर्मेशन कहलाएगा। और दूसरा इसके अंदर अपन जो यूज करेंगे, सोडा लाइम अपन ने यहाँ पर यूज कर लिया है, साथ में इसमें सोडा लाइम यूज कर रहे हैं तो आपको एसिड भी चाहिए, क्योंकि बेस है तो एसिड तो आना ही चाहिए। देयर विल बी कम्स आल्सो यूज HCl। ओके, तो वेरी इजी। व्हाट विल बी द प्रोसेस? प्रोसेस क्या होगा? इन सिंपल वे, इन वन मेथड यू कैन डू इट। सी, दैट इज आई कैन ओपन इट OH, टू इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट। वन बाई वन स्टेप यू कैन गो। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सोडा लाइम, ऑलवेज रिमेंबर सोडा लाइम हैज ए मैन फंक्शन, डैट इज रिमूव ऑफ CO2 गैस फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द रिएक्टेंट। यू कैन सी देयर विल बी ए मोलिक्यूल, डैट इज CO2, डैट इज फंक्शन ऑफ NaOH सोडा लाइम, रिमूव ऑफ CO2 गैस, सो इट रिमूव एयर फ्रॉम CO2 and other part in this may be OH. So what will be the process? CO2 is also ready to go out, OH is also ready, in which H is more acidic H, that is more acidic H. So first of all, in the presence of base, first of all always more acidic H ko remove aapko karna hai. Kya karna hai? More acidic H ko remove karna hai. That means do part ho gaye, हल्का सा आग ने इसको आपने गर्म किया है, हल्का सा हीट किया है, हीट करने के साथ ही क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गैसों का निकलना, एक्सक्रिएशन ऑफ गैसेज होगा, सो यहाँ पर CO2 गैस रिमूव होगी। दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रिएशन ऑफ CO2 गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप, दैट इज इन द एक्सेस, सो ऑल्सो CO2 गैस एक्सक्रिएशन, मोर एसिडिक एच इज ऑल्सो रिमूव इन द प्रजेंस ऑफ NaOH, सो देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। अगेन फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। और सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होने का मतलब है यहाँ से CO2 निकल चुका है, एच जो होता है इसके साथ रिएक्टिविटी करके एच को रिमूव कर चुका है, यहाँ पर O- Na+ जुड़ चुका है, यानी साथ में H2O मॉलिक्यूल भी यहाँ से रिमूव हो गए हैं। ओके, ये वाला पार्ट आपको यहाँ तक मिल चुका है। देखिए नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या रहेगा। इन नेक्स्ट स्टेप
you use HCl. So that is acidification. Acidification take place, that bond will be break here, that is A, and it is also break here, formation of HOH part, and there will be comes phenol as a major product. तो आपका फिनोल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है. तो डैट मेथड इज फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. यू कैन इजीली सी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ऑफ CO2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड आल्सो रिमूव ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, सो देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड आयन, एंड देन इट रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. सो दैट इज वेरी इजी प्रोसेस टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बट दैट इज वेरी इजी मेथड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. इन नेक्स्ट मेथड आई थिंक दैट इज क्लियर एंड वेरी इजी मेथड. यू कैन ईजीली वन बाई वन स्टेप कंटिन्यू and form salicylic acid to phenol. That is next method is from Grignard reagent. Grignard जो reagent होता है इसको GR से note करता है. GR Grignard reagent very important reagent in organic chemistry. It is base, it is the contract of alcohols. Alcohols का formation करने का main function किसका है? Grignard reagent का होता है. What is the structure of Grignard reagent? Phenol है, aromatic ring आपको formation करना है, तो that will be used C6 aromatic phenol. Aromatic Grignard reagent आपको use करना पड़ेगा, और aromatic Grignard reagent कहें तो RMGX is called Grignard reagent. RMGX क्या है? Grignard reagent कहलाता है, और Grignard reagent से आपको किसका फॉर्मेशन करना है? आपको फॉर्मेशन करना है C6H5OH, that is phenol. You can see, MgR को हटाना है और किसको ऐड करना है? OH को ऐड करना है. देखिए वेरी इजी मेथड. व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए आप, ये आपके पास में है MgBr, ये कहलाएगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड. क्या है ये? बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वायुमंडल की एयर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है कौन? Grignard reagent. इस वाले का एसिडिफिकेशन करा दीजिए इन एक्वस मीडियम, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा फिनोल. ओके, तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? फिनोल का फॉर्मेशन हो गया. प्रोसेस क्या रहेगा? उस प्रोसेस को आप देखिए. Grignard reagent का स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं. वाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ जी आर? केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी गिवन. यू कैन सी MgBr केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, 1/2O2, डैट इज ऑक्सीडेशन पार्ट. इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल. प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए वेरी इजी प्रोसेस. यू कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ MgBr मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद ए 1/2O2, का मतलब है एक ऑक्सीजन का एटम आपको जोड़ना है, एडिशन करना है. ये आपके पास में फॉर्मेशन हो गया, OMgBr का फॉर्मेशन हो गया. ऑक्सीजन कहाँ से आया? यहाँ से, एक मॉलिक्यूल है तो वन एटम होगा, इस पे जुड़ेगा, जैसे जुड़ गया OMgBr हो गया. OMgBr जो है इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे. क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस किया. हाइड्रोलाइसिस के आधार बेस पे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग हियर, दैट विल बी बॉन्ड ब्रेक हियर, H2 होगा, H और H में बॉन्ड ब्रेक होगा. आपका यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस बेस पे बनेगा OH. बाहर क्या निकल जाएगा? MgBr, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा OH का. ओके, तो ये आपका
फिनोल का फॉर्मेशन यहाँ से हुआ है, किसके थ्रू है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के थ्रू। वेरी इजी मेथड है, किसमें यूज करते हैं इसको, लेबोरेटरी के अंदर इसको यूज किया जाता है, लैब में कैसे बनाया जाता है वो सारा प्रोसेस अपन इसमें देखा है। तो दो मेथड्स आज टुडे इन दिस वीडियो यू सी टू मेथड्स, दैट इज फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट यू इजीली फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। इन दिस पार्ट वी सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम लेबोरेटरी मेथड्स। फर्स्ट ओवर मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, सेकेंड मेथड इज फ्रॉम हेलोएरीन या हेलोबेंजीन, थर्ड मेथड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोर्थ मेथड इज फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड एंड फाइव मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। सो फाइव मेथड इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल इन ए लेबोरेटरी। इन नेक्स्ट क्लास वी स्टडी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्री के अंदर जो फॉर्मेशन फिनॉल का फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है, व्हाट विल द प्रोसेस इन डिफरेंट टाइप कॉमर्शियल इंडस्ट्री पार्ट, वी विल बी स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।